मेरा एग्जाम का जो डेट है वो मैं जैसे पहले सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही है, 3 नवंबर मैं सोच रहा था, लेकिन भाई ये 17 नवंबर हो गया तो 1 महीना अभी बाकी फिर से है। तो मैंने सोचा कि चलो वक्त तो है, और जो लियो मूवी देखने का जो तलब था मेरा कि लियो मूवी जो देखना है भाई जैसे करके भी, एलसीयू का पार्ट है ये है, रिव्यू वगैरह देख करके थोड़ा बहुत मतलब भाई लोगों से सुन करके ना बहुत ज्यादा तलब बढ़ गई थी, तो चलो देख लेते हैं बोला, और कल मैंने फिल्म देख लिया। ओके तो भाई देखो लियो मूवी का अभी हम रिव्यू करने वाले हैं। मैं रिव्यू करने से पहले एक चीज यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, भाई लियो मूवी का ना सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगा उसका एक्शन सीन। भाई इस तरह से एक्शन सीन को डिजाइन किया गया ना, हर एक एक्शन, 4-5 एक्शन फिल्म में देखने को मिलता है भाई, सब खतरनाक एकदम से फाड़ू लेवल पे जाती है भाई, मजा आ गया सारा का सारा। मतलब थलापति विजय सर डर भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, एक अलग तरीके का अंदाज देखने को मिल रहा है भाई। देखो पहला जो है हानिया वाला जो एक्शन सीन है, सीजीआई जनरेट वो बनाया गया है, लेकिन भाई इतना रियलिस्टिक लगता है, मजा आता है भाई, डर भी लगता है, मजा भी आता है, खतरनाक लगता है। और वो जो चॉकलेट कॉफी वाला जो फाइट सीन है भाई साहब, उसमें एक कैरेक्टर है, एक विलन है, वो जो साइको विलन, मजा आता है भाई। देखो वो एक्शन होने से पहले उसका कांड देखोगे, उसका रूप देखोगे, उसका हंसी, उसकी आंखें भाई साहब बहुत क्रूर लगता है। और उसको जिस तरह से थलोपति विजय सर मारते हैं, इतना ब्रूटेलिंग फाइट भाई साहब, इतना जबरदस्त तरीके से लोकेश कनरा उसको डिजाइन किया ना, मजा आता है वो वाला सीन। ओके उसके बाद वो मार्केट वाला फाइट भी बहुत खतरनाक लगता है, हर एक फाइट ब्रूटेलिंग, डर, एक्साइटिंग, गुस्बम सब कुछ मिला करके जाता है यार। सबसे बेस्ट तो भाई कार रेसिंग, कार रेसिंग, ऊपर से तो संजय दत्त जहां भी जाएंगे रोड भर भर के कार जाएगा, पूरा का पूरा भर भर के, कैमरा मतलब कवर नहीं कर पाएगा, उतने सारे कार के साथ जाएंगे। और उसका जब रेसिंग चलता है बाइक में है थलोपति विजय सर भाई, इतना जबरदस्त तरीके से उसको शूट किया गया है ना, मजा आ गया लिटरली। वो कार रेसिंग तो भाई एकदम से घुसबम दे दिया, बहुत जबरदस्त लगा सारा का सारा एक्शन सीन। मैं बोल रहा हूँ ना लियो मूवी का एक्शन सीन बहुत ज्यादा जबरदस्त है, थलोपति विजय सर का एक्टिंग भी बहुत खतरनाक लग रहा है, मतलब थोड़ा सा मुझे अलग लगा, यूनिक लगा, क्योंकि इसमें वो डर रहे हैं काफी टाइम पे, डर रहे हैं भाई। ओके काफी टाइम पे डर रहे हैं। लियो वाला कैरेक्टर तो थोड़ा सा है, बस जस्ट थोड़ा सा है, लेकिन ये जो पार्थिवन वाला कैरेक्टर है उसमें डर भी है और स्वैग भी है, तो अलग तरीके का थलोपति विजय सर को देखने को मिला। संजय दत्त तो एकदम से कहर भर पा रहे हैं भाई, उनको जब देखोगे तो डर ही लग रहा है कि भाई ये बंदा कुछ भी कर सकता है। ओके और ये अर्जुन सरेजा को थोड़ा कम स्क्रीन मिला है, लेकिन भाई वो भी कड़क है पूरा, एकदम से अपना रुतबा दिखा रहे हैं। और त्रिशा कृष्णन मैम तो इसमें थोड़ा सा है, मतलब वो बस वाइफ के हिसाब से हैं, इतना कुछ नहीं है, लेकिन भाई ओवरऑल फिल्म ना बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ सही जा रहा है, सारा का सारा सीन वगैरह डिजाइन, मतलब लोकेश कनगराज जी अच्छे तरीके से पूरा उसको डिजाइन किया गया है। और एलसीयू का जो जिस तरह से मतलब ये जुड़ा गया है ना, मतलब वो जब वो ये कैथी मूवी का जो कांस्टेबल जो आता है तो उसे देख करते हो गाइस, मुझे लगा कि यार खतरनाक, मतलब एलसीयू के साथ जबरदस्त यहाँ पे ये कनेक्ट रखा जा रहा है बोल करके वैसा फील हुआ। और वो कैथी में जिस तरह का कैरेक्टर उसको मिला था, यहाँ पे भी वैसा वाला कैरेक्टर मिला है, वो रक्षक बन के है, और वहां पे भी जैसे डरता भी है मारता भी है, बिल्कुल वैसा वाला सिलसिला उसके साथ देखने को मिला। लेकिन गाइस मेरा बस उंगली 2 चीजों के ऊपर है फिल्म का, पहला तो ये कृष्णा अभिषेक का आवाज थोड़ा मुझे थलोपति विजय सर के साथ नहीं जमा भाई, मुझे आपको कैसा लगा ये मेरी पर्सनल है, उतना अच्छा मुझे नहीं लगा कृष्णा अभिषेक का आवाज। देखो मैं थलोपति विजय सर का मास्टर मूवी में, और ये जो कौन सा एक आया था फिल्म बीट्स में मैंने सुना है संकेत महात्रे के साथ, बहुत अच्छा लगा था, और बाकी जो सीरियल एक्टर है उसके साथ भी अच्छा लगा था। ओके बट कृष्णा अभिषेक के साथ थोड़ा सा मतलब अलग लगा भाई, मतलब उतना नहीं जमा, आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करिएगा। दूसरा उंगली मैं इसमें करूंगा भाई, इसका जो मेन स्टोरी है ना, देखो प्रेजेंटेशन अच्छा है, पार्थिवन लियो, लियो पार्थिवन, पार्थिवन लियो होकर के फिल्म खत्म हो गई है, लेकिन इसका जो मेन जड़ है फिल्म की, जो कहानी जहां पे शुरू होती है, वो चीज मुझे पसंद नहीं आया भाई। सुपरस्टिशन को लेकर के क्यों यार, मतलब अंधविश्वास, कुछ और भी तो कुछ हो सकता था ना अंधविश्वास, इतनी बड़ी फिल्म एलसीयू के साथ जुड़ना, इतना सारा कुछ फिल्म के अंदर है, इतना सारा एक्सपेक्टेशन है, और उसमें अगर अंधविश्वास का नाम दे दोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई इतने डीप में जाओगे तो वहां पे, और लोकेश कनगर जी का माइंड काम नहीं किया गया, अंधविश्वास को ही जोड़ देते हैं और कुछ नहीं मिला गया, कुछ और तो होना चाहिए ना। अंधविश्वास जब सुनाया जाता है तो भाई कुछ अलग ही लग जाता है, भाई कुछ नहीं था गया, और कुछ नहीं था गया, और भी तो कुछ हो सकता था ना, तो वो अंधविश्वास वाला खेल। और ये जो
कृष्णा अभिषेक जी का हिंदी डॉब के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों चीज के ऊपर मेरा थोड़ा सा ये रह गया। और देखो विक्रम मूवी की जहां तक बात होती है, विक्रम और कैथी की जब कनेक्शन की बात होती है, तो विक्रम मूवी का कनेक्शन और कैथी मूवी का कनेक्शन एक ही चीज पे जब होता है तो बहुत मजा आता है कि लिटरली ठीक है भाई एलसीयू का भी है और वहां पे रोलेक्स को टारगेट किया जा रहा है, उसके बिजनेस के ऊपर टारगेट किया जा रहा है और वहां पे डायरेक्ट कनेक्शन रहता है पूरा एलसीयू के साथ कैथी और विक्रम का, तो बहुत खतरनाक लगता है। लेकिन यहाँ पे लियो मूवी का जो है उसका फैमिली के लिए वो लड़ रहा है भाई, वो लियो है और पार्थिवन मैं हूं बोल करके उसका ही संघर्ष है कि मैं लियो नहीं, मैं लियो नहीं हूं, मैं पार्थिवन हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं क्या हूं, मैं कमजोर हूं, मतलब इस तरह की जो मैं इनोसेंट हूं, सॉरी मैं इनोसेंट हूं, इस तरह की मतलब वो ही लड़ाई है, मैं लियो नहीं हूं, मैं पार्थिवन हूं, लड़ाई बस उसमें ही सीमित है। लेकिन विक्रम का कैथी का ऐसा नहीं था, वो रोलेक्स की बिजनेस, वो रोलेक्स की कहर, वो रोलेक्स जिस तरह की गंदा काम कर रहा है उसके ऊपर ही था, तो स्टोरी वहां पे होता है तो डायरेक्ट कनेक्शन लगता है। लेकिन यहां पे चलो ठीक है, लोगों का एक्साइटमेंट है कि ये एलसीयू के साथ जुड़ना है बोल करके, तो चलो ठीक है विक्रम सर से कॉल करवा देते हैं और वो कांस्टेबल को ला करके यहां पे छोड़ देते हैं और तो कुछ नहीं है, ऐसा ही हो गया। मतलब लियो मूवी जो है बस जबरदस्ती कनेक्ट करने जैसा लगा, नहीं तो ये फिल्म एक सेपरेट जोन पे जा रहा है कि नहीं पार्थिवन और लियो दोनों एक कैरेक्टर हैं और लियो जो है अपने आप को पार्थिवन करने में ही जोड़ा है कि मैं पार्थिवन हूं, मैं लियो नहीं हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, इसका ही लड़ाई है और कुछ लड़ाई नहीं है, बिल्कुल वैसा ही फील हुआ। तो उसका जो मेन जड़ है, स्टोरी का जो मेन जड़ है वो मुझे थोड़ा सा खटका भाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जहां पे रोलेक्स के साथ जो कि एलसीयू का सेंटर है, रोलेक्स वही रोलेक्स को केंद्रित करके ही सब लोग जुड़ रहे हैं ना, वो का मतलब दिल्ली भी जुड़ा कैथी मूवी में, विक्रम जुड़ रहे हैं, मतलब सबके सब रोलेक्स को ही सेंट्रेट करके, रोलेक्स को ही सेंटर करके सब लोग जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे पार्थिवन लियो का रोलेक्स के साथ क्या कनेक्शन रहा, वो तो नहीं हुआ ना, ये लोग जबरदस्ती ही जोड़ दिए, बिल्कुल वैसा ही फील हुआ, क्या है कनेक्शन ऐसा। तो वो थोड़ा मतलब मैन जड़ जो है ना वो थोड़ा मुझे नहीं हुआ, वो जब डीपली गए और वहां पे अंधविश्वास करके सब कुछ खत्म कर देना, तो वहीं पे रोलेक्स का कुछ होना चाहिए था, रोलेक्स का कुछ होना चाहिए था, कुछ ऐसा होना चाहिए था जो कि मतलब वो कनेक्शन हो जाए वहां पे, या फिर कुछ मतलब खतरनाक तरीके का कुछ स्टोरी निकले। आप अंधविश्वास का नाम दे दोगे और सब कुछ निपटा लोगे तो कैसे चलेगा, है ना, कैसे चलेगा, बिल्कुल वैसा ही हो गया। अंधविश्वास जहां पे नाम हो जाता है तो और कोई चीजों के ऊपर डिस्कशन ही नहीं होता है, खत्म हो जाती है वहीं पे, बस फ्लैशबैक के तौर पे नारेटिव सॉन्ग ही बजता है और कुछ नहीं है। तो वो चीज मुझे थोड़ा सा खटका भाई, सच बताऊं तो, लिटरली सच बताऊं तो, फिल्म का प्रेजेंटेशन एक्शन देखने में बहुत जबरदस्त लग रहा है, फिल्म आपको कहीं पे भी बोर भी नहीं फील करवाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन जिस लेवल का था कि भाई स्टोरी ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरह से कनेक्ट होगा ये होगा, मतलब विक्रम मूवी की तरह एकदम से ये मतलब ये करेगा बोल करके जिस तरह का फील होता है, वो फील को कहीं ना कहीं ये समाप्त कर देता है भाई, कहीं ना कहीं समाप्त कर देता है। देखो विक्रम मूवी का फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा बोरिंग था, है ना, कमला सनसर को सब लोग ढूंढने लगते हैं उसमें तो ये हो जाता है, लेकिन सेकंड पार्ट एकदम से तहलका मचा दिया था। लेकिन लियो मूवी का फर्स्ट पार्ट बहुत ज्यादा खतरनाक रहता है कि भाई पार्थिवन है या फिर लियो है, अगर लियो है तो पार्थिवन कैसे बना और लियो से पार्थिवन कैसे हुआ, ये अगर 400 लोग उसको मार नहीं सकते तो भाई पार्थिवन बनने का क्या रीजन है, इस तरह की सोच लेकर के आपका जो फर्स्ट हाफ है ना एकदम से घुसबम से पूरा भर जाएगा। लेकिन सेकंड पार्ट जो है जब आपको पता चल जाए कि सारा का सारा मसला अंधविश्वास का है तो आपका मजा वहीं पे किरकिरा हो जाएगा, लिटरली किरकिरा हो जाएगा, भाई इसके लिए ऐसा हो रहा है कि अंधविश्वास के लिए, तो वहीं पे आपका दिल टूट जाता है। आप मुझे गलत कहो, बुरा कहो, जो भी हो भाई साहब, आप सब लोग फिल्म देख चुके हो, आप उसका एंजॉय ले चुके हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओपिनियन रखा, ये मेरी पर्सनल है, ओके, आपको कैसा लगा फिल्म जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त है और सेकंड पार्ट एकदम से बाप लेवल का जाएगा, फाड़ू जाएगा, जबरदस्त आएगा, लिटरली जबरदस्त जाएगा। बस इसका जो मेन जड़ जो है ना स्टोरी, वहां पे अंधविश्वास करके जो खत्म कर दिया ना, काम निपटा देते हैं, अंधविश्वास टैग लगा दो और काम निपटा दो और कोई सोचने की जरूरत नहीं है, जो इस तरह का काम हुआ ना वहीं पे मेरा दिल टूट गया थोड़ा सा। लेकिन सब कुछ सही है भाई, एक्शन सीन तो भाई साहब बाप लेवल का है, जबरदस्त A1 एक्शन सीन, जो कि भाई साहब मजा आएगा, लिटरली मजा आ गया। आप तो देख चुके होंगे, कई बार देख चुके होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। मुझे कमेंट करके बताना कि लियो मूवी आपको कैसा लगा।